भिवंडी स्थित धामनकर नाका पटेल कंपाउंड में हुए जिलाने बिल्डिंग हादसे में मरने वालों के परिजनों को भिवंडी लोकसभा खासदार सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल की तरफ से तत्काल मदद के रूप में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता व 1 महीने का राशन किट दिया गया। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा खासदार सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल के इस कार्य से पूरे शहर में लोगों ने जमकर सराहना की। इस अवसर पर नगर सेवक सुमित पाटिल, संतोष शेट्टी, यशवंत टावरे, आरपीआई भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी व स्थानिक उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। हर बारिश में इस तरह का हादसा होते रहता है, इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग मांग करते रहते हैं जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं उनमें से लोगों को निकाला जाए, खाली की जाए ताकि लोगों की जान बच जाए। लेकिन दुर्भाग्य से भिवंडी में ये होता नहीं है, लोग भी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, प्रशासन के पास व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अगर बनेगी तो ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, उनको वहाँ पे मकानें दी जा सकती है। अभी ये मैंने उस दिन कहा था कि जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कि जहाँ से लोग नहीं निकलते उनको सख्ती से बाहर निकालना चाहिए, तो उनके जान पे नहीं बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य से भिवंडी में होता नहीं। मैं अभी संतोष शेट्टी को वही कह रहा था कि आज महासभा है, महासभा में सभी पार्टी के काउंसिलर लोगों ने एक साथ में आके भिवंडी में अगर 600 इमारतें धोखादायक है तो उनमें से लोगों को कैसे शिफ्ट किया जाए इसके बारे में डिस्कशन करो, कुछ निर्णय करो और उसकी अमल बजावनी करो, ताकि भिवंडी में कभी दुर्भाग्य से धोखादायक बिल्डिंग गिरेगी भी तो भी जान लोगों की बच जाएगी, जान नहीं जाएगी, उसमें कोई नहीं रहेगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। देखिए, पहले तो जितने भी पटेल कंपाउंड में जो हादसे में लोग गुजरे उनको मैं मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की, प्रशासन की गलती है। इसमें लोग जो रहने वाले लोग थे वो गरीब लोग थे, मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको पर्यायी व्यवस्था अगर कॉरपोरेशन करती थी तो वो उधर नहीं रहते थे। इन कॉरपोरेशन के पास कोई भी नियोजन नहीं है, बिल्डिंग खाली करने से पहले पर्यायी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोटिस देना उनका काम है, पेपर देना काम है, नोटिस दिया मतलब कॉरपोरेशन की जवाबदारी ख़त्म नहीं होती। कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी इसमें कुछ ना कुछ सामने वाले बिल्डर या कोई भी जो लोग हैं उनसे मिलके ही ये सब काम करते हैं, पर उसका नतीजा ऐसे पटेल कंपाउंड में जो जैसे हादसे होते हैं ऐसा नतीजा आने वाले समय में ना हो, इसके लिए कॉरपोरेशन में सतर्कता, प्रिकॉशन और कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यहाँ तक खास करके आज महासभा है, महासभा में इस मामले को कितने जोर पर उठाएंगे, क्योंकि भिवंडी शहर में अभी भी 400 से 500 अति धोखादायक इमारतें हैं। देखिए, भिवंडी कॉरपोरेशन में जैसे खासदार साहब ने अभी पटेल कंपाउंड में आके बताया कि आवास योजना एक योजना है, महत्वाकांक्षी योजना जो भिवंडी शहर में नरेंद्र जी मोदी ने बनाई है, वो 6,000 घरों में कुछ ऐसे घर जो अति धोखादायक लोग रह रहे उनके लिए पर्यायी व्यवस्था के लिए जैसे 50,000 रुपये भर के केंद्र सरकार की सब्सिडी लेके उनको घर दिए जाएंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था कॉरपोरेशन ने की तो लोग आगे चल के आके ऐसे घरों में रहने की ये करेंगे। लेकिन कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं अपने को दिखाई दे रही है। पिछले टाइम माननीय कॉरपोरेशन के तरफ से ये योजना रद्द होने के लिए कॉरपोरेशन ने मार्गदर्शन मांगा था राज्य सरकार की तरफ से,
मतलब ये योजना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये कॉरपोरेशन को ही पता है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा भाष्य नहीं करूँगा। रास्ता नहीं है वो योजना के लिए, रास्ता बनाने का काम किसका है? कॉरपोरेशन का है। तो कॉरपोरेशन ने योजना के लिए रास्ता बना के लोगों को घर देने का काम करना चाहिए। तो ये जो अति धोखादायक जो बिल्डिंग में लोग रह रहे उनको निकाल के लोग बेघर करते हैं, वो लोग किधर जाएंगे? अभी पटेल कंपाउंड की परिस्थिति है, अभी हमने वहाँ पे जायजा लिया तो कोई बोलता है ऑटो में सोता है, कोई रिश्तेदार के इधर सोता है, कोई सड़क पे सोता है। लोग सोएंगे किधर, लोग रहेंगे किधर, फैमिली को लेकर लोग जाएंगे किधर? ये कॉरपोरेशन की जवाबदारी है। कॉरपोरेशन इसके ऊपर सतर्कता से ध्यान दे के इन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसी योजनाएं रद्द ना करके इसके ऊपर ध्यान दे के कैसे जल्द से जल्द पूरी करके लोगों को घर देने का काम कॉरपोरेशन ने। जिस प्रकार से अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है ये कहां तक सही है, और क्या सिर्फ इसके अंदर अधिकारी ही दोषी हैं? देखिए अधिकारी दोषी है नहीं है वे मुझे पता नहीं, लेकिन ये सिलसिला कितने दिन चलेगा? बिल्डिंग गिरेगी, अधिकारी कोई ना कोई पकड़ते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, ये मुझे सही नहीं लगा है। ये ठोस इसका कुछ ना कुछ ठोस इलाज होना चाहिए ना। ये अधिकारी सस्पेंड किया, गुनाह दाखिल किया, विषय खत्म। ये हमेशा हर साल ऐसे ही होता है, कोई ना कोई अभी अधिकारी जो था इधर सुदाम यादव उसका बदली होके 4 महीना हुआ है, खाड़े मैडम आई है, वो देखने तक नहीं आई वहां पे बिल्डिंग गिरी। ठीक है पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा किसका कुछ, लेकिन देखने भी नहीं आया कोई वहां पे। ऐसा थोड़ी रहता है, मान्य आयुक्त महोदय, मान्य महापौर महोदय रात से उधर है, और यहाँ के अधिकारी प्रभाग अधिकारी का पता पता नहीं। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जैसे ही ज्वाइंट हुए इन्होंने पहले अति धोखादायक बिल्डिंग नहीं देखी, अतिक्रमण किधर चालू है, बांधकाम किसका चालू है वो देख रहे। तो अति धोखादायक बिल्डिंग कौन खाली करेगा? कोई बिल्डिंग तोड़ रहा अति धोखादायक बिल्डिंग, उसके ऊपर जाके बोल रहे परमिशन है क्या? बिल्डिंग तोड़ने का काय का परमिशन लगता है? अति धोखादायक बिल्डिंग तोड़ने का कोई परमिशन होता है? ये अधिकारी लोगों को शर्म आना चाहिए, ये सब ऐसी हरकतें करते हैं, इसके लिए सब हादसे होते हैं। फिर सस्पेंड करने के बाद रोते हैं, नगर सेवकों को फोन करते हैं। इसके लिए मैं सभी 90 के 90 नगर सेवकों को गुजारिश करता हूँ ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल मदद न करें। महासभा में इनका विषय जोरदार उठा है, इनको सस्पेंड नहीं इनको बढ़तर करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। इतने दिन से पटेल कंपाउंड में सोमवार मंडे से नेतागण आ रहे जा रहे, मंत्री लोग आ रहे फोटो खींच रहे, मैं देख रहा हूँ। मैं वहाँ 3 दिन लगातार था, अलग अलग टाइम अलग अलग मैं गया, लेकिन नेता लोग आते हैं फोटो निकालते हैं, कोई मंत्री आता है संतरी आता है फोटो निकालता है निकल जाते हैं। माननीय सिर्फ पालक मंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब है जिला के पालक मंत्री, उन्होंने आके सिर्फ घोषणा आके की, लेकिन उसकी अमल मजावनी भी होनी चाहिए, लोगों तक ये पैसा भी मिलना चाहिए। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आके लोगों की मदद की, घोषणा की, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के पास लोगों के अकाउंट में पैसा जल्द से जल्द आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आज पटेल कंपाउंड में माननीय खासदार माननीय अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी और हमारे नगर सेवक महेंद्र जी गायकवाड़, मैं खुद, हमारे केके जी, आज कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से हम वहाँ पे गए। खासदार साहब दिल्ली में थे इसके लिए आज ही आए, आज आके उन्होंने दायरा किया देखा, और कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से जो 19-20 फैमिली है जिनके लोग गुजरे उनको कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से 10-10 हज़ार का कैश और 1 महीने का रेशनिंग का सामान, जो अभी शुरुआत में उनको जो लगने वाली चीज़ें वो दी गई है,